1 अप्रैल 2024 का वो दिन था जिसे ईरान कभी भूलेगा नहीं। जी हां, इसी दिन सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें ईरानी दूतावास की बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई थी और इस अटैक में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी समेत ईरान के 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। ब्रिगेडियर रेजा जाहिदी लेबनान और सीरिया में ईरानी सेना के प्रमुख थे जबकि ब्रिगेडियर हाजी रहीमी उनके डिप्टी हुआ करते थे और इस हमले के बाद से ईरान ने कसम खाई थी कि वो इजराइल और अमेरिका से अपने हिसाब चुकता करेगा। यहां तक कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी से लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हेन ने इसराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान इसराइल के खिलाफ अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने जा रहा है जिसकी आहट हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह के इस बयान से आ रही है। दरअसल हसन नसरल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइल इस बात को मानते हैं कि ईरानी दूतावास पर हमले की ईरानी जवाबी कार्रवाई आ रही है। इसराइल ने ईरानी दूतावास पर हमला करने का फैसला करने में गलत आकलन किया है। नसरल्लाह ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि ईरानी दूतावास पर कथित इजरायली हमले में 2 नई चीजें थी। पहला ये कि इस हमले में ईरानी क्षेत्र को निशाना बनाया गया क्योंकि ये हमला एक राजनयिक मिशन पर हुआ और दूसरा ये कि इस हमले में ईरान के सबसे उच्च स्तरीय अधिकारी जो ईरानी सेना के लेबनान और सीरिया में मुख्य सलाहकार थे उन्हें निशाना बनाया गया। नसरल्लाह का कहना है कि ईरानी कमांडर जाहिदी सिर्फ सलाहकार थे, उनका उद्देश्य सेना का मार्गदर्शन और सैन्य सहायता प्रदान करना था, वो सैन्य बल का हिस्सा नहीं थे। नसरल्लाह ने आगे बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से जाहिदी तुरंत गाजा की मदद करने में जुट गए थे। जाहिदी फ्रंट के करीब जाना चाहते थे और एक शहीद के तौर पर मरना चाहते थे। इसके अलावा वो लेबनान में 2020 से ही मौजूद थे। लेकिन जाहिदी को लेकर इसराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर जो हमला किया था उसकी रूपरेखा तैयार करने में ईरानी कमांडर जाहिदी ही मास्टरमाइंड थे और जाहिदी को लेकर ईरान की कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस ने भी एक बयान दिया था। हालांकि ईरान का ये जरूर कहना है कि वो हमास के हमले में सीधे तौर पर शामिल नहीं था।